हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे एल्गेन का IUPAC नामांकन। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग लिए थे, बहुत सारे रूल भी लिए थे, देखे थे हम लोग। और एल्गेन का जो IUPAC नामांकन, उसको हम लोग दो लेक्चर में कवर किया था, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7। आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं, यह होगा एल्गेन का IUPAC नामांकन। डालिएगा हेडिंग एल्कीन का IUPAC नामांकन। एल्कीन का IUPAC नामांकन, देखिए यहाँ भी कुछ रूल है जिसको आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कि एल्कीन की बात करें हम, एल्कीन जो हमारा होता है वह असंतृप्त यौगिक होता है। एल्कीन कैसा यौगिक होता है? असंतृप्त यौगिक होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, इसी को हम ओलेफिन्स के भी नाम से जानते हैं। ओलेफिन्स पे यदि कहीं लिखा हुआ मैंने तो उनको समझना होगा कि बात एल्कीन की ही हो रही है। चलिए तो हम लोग आइए उस कुछ रूल की बात कर लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित हो। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो, उपस्थित हो। आइए एग्जांपल की बात, एक चीज़ और इसमें हम और आगे बढ़ाते देख सकते हैं, और इसी को आधार श्रृंखला मानेंगे। आधार श्रृंखला मानेंगे। चलिए तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं इसकी। इसे कि मान लेते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 और CH3। आपसे कहा जाए कि आपको सब लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो, उपस्थित हो। सोचिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यही है ना, इसको साथ में लेकर हमको लंबी श्रृंखला को चयनित करना है। तो 1 2 3 4 5 4 5, मतलब ये कि आप कभी भी जाओगे तो ऐसे ही जाओगे ना, कि आप ऐसे जा सकते हो, तो डबल बॉन्ड है तो उधर जाना भी नहीं है हमको। तो इसको हम मानेंगे कि यही आपका क्या है, बेस चैन है, बोले तो आधार श्रृंखला है। क्लियर? अब आइए इसी के एक और एग्जांपल लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसमें भी काम वही करना, आपको डबल बॉन्ड को साथ में रख कर लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है, यानी कि लंबी श्रृंखला को चयनित करना है। तो देखिए भले ही इसमें हम 2-3 कार्बन और बढ़ा दें, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस अब ध्यान रखना कि जो आप लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करोगे उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जरा सोचो, डबल बॉन्ड तो यही है ना, यहाँ से इधर जाते हो तो 1 2 3 4 5
आगे जाते हो तो 3, 4, 5, 6, 7 मतलब लंबा चैन तो आपका यही हुआ। और इसी लंबे चैन्स को हम क्या मानेंगे, अपना आधार श्रृंखला। क्लियर। अच्छा मान लेते हैं कि यदि एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, इसी में लिख देते हैं, यदि एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक डबल बॉन्ड हो तो सभी को आधार श्रृंखला में रखना है, आधार श्रृंखला में रखना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ जाए CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका आपका लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? देखो डबल बॉन्ड ये भी है, डबल बॉन्ड तो यहाँ भी है, तो हमको इस सभी को आधार श्रृंखला में ले लेना है, ध्यान रखना ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ देंगे, सभी को क्या लेंगे, आधार श्रृंखला में लेंगे। ठीक उसी प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH CH और फिर CH2 CH3 डबल बॉन्ड। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखो डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। जरा सोचो, एक इधर और बढ़ा दो, अब देखो बेटर हो गया। सोचो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप इधर जाओगे तो लंबा चेन मिल जाएगा ना। लेकिन क्या हम इधर जाएंगे, एक लंबी जो श्रृंखला मिलेगी जिसमें क्या सभी डबल बॉन्ड आ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे यदि आप यहाँ से इधर टर्न हो जाते हो तो आपके पास तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा ना आधार श्रृंखला में। लेकिन वही यदि आप इस पूरे को ऐसे ले लो, भले ही नंबर ऑफ कार्बन थोड़ा सा कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड दोनों होना चाहिए, तभी हम उसको आधार में अपने श्रृंखला में अपने आधार श्रृंखला में सेलेक्ट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा चीज़ को। तो इसी को हम क्या मानेंगे, अपना आधार श्रृंखला। चलिए तो ये रहा आपके पास रोल नंबर फर्स्ट। यदि हम बात करें रोल नंबर सेकंड की, इसको नोट कीजिए, फिर रोल नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। चलिए चलिए तो आई रोल नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, तो वही चीज़ है रोल नंबर सेकंड। आधार श्रृंखला के अलावा जो समूह बचता है उसे सब्सिस्टेंट मानेंगे, उसे सब्सिस्टेंट मानेंगे। जरा सोचिए, इसमें वाला जो एग्जांपल हम लिए थे इसमें तो यही आधार श्रृंखला था ना, बोलो आधार श्रृंखला यही था ना। इस एग्जांपल में चलते हैं हम लोग, आधार श्रृंखला के अलावा कौन बचा, यही बचा ना। तो इसको हम क्या मानेंगे, अपना सब्सिस्टेंट। ठीक है, यहाँ आइए, CH3 आपका आधार श्रृंखला रोल नंबर 1 यही कहता है ना, सबसे पहले आधार श्रृंखला को चिन्हित करो, कर लिए यहाँ पे ऑलरेडी हम। बचा कौन, CH3। जो बचा उसको हम क्या मानेंगे, अपना सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, डबल बॉन्ड जिसमें दो डबल बॉन्ड, जैसे कि CH2
CH2 CH3 CH2। बेहिचक आधार श्रृंखला आपका यही होगा जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, और यह जो हुआ आपका इसका जो बचा यही वाला ना, इसी को हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूट। क्लियर। एक एग्जांपल और, जैसे कि मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 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 CH3। इसमें बताइए आपका बेस चेन कौन होगा, यानी कि आधार श्रृंखला कौन होगा। तो यही हो गया आपका आधार श्रृंखला, डबल बॉन्ड साथ ही साथ जा रहा है ना, तो इसी आधार श्रृंखला को हम अपना क्या मानेंगे, इसी लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या मानेंगे, अपना आधार श्रृंखला मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सा ग्रुप बचा, देखो तो यही वाला है ना, तो जो बचा इसको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। अब आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं रोल नंबर थर्ड की। रोल नंबर थर्ड देखो क्या बोलता है, जैसे कि हम लोग पिछला लेक्चर में डिस्कस किए थे कि यहाँ काउंटिंग जो हम उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से सबसे चुन के हम नज़दीक हो, ये डिस्कस किए थे ना। लेकिन जैसे हम डबल बॉन्ड में आ जाएंगे तो काउंटिंग करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यदि हम बात करें रोल नंबर थर्ड की, तो आइए देखते हैं रोल नंबर थर्ड क्या है। इसे कि देखो पिछला लेक्चर में क्या हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूट नज़दीक हो। लेकिन यहाँ पे कहानी बदलने वाली है, यहाँ पे क्या होगा, गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे, गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजदीक हो, जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो। तो गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजदीक हो, सबसे चुन नहीं। ठीक है, मान लीजिए हो सकता हो कि डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, इधर से भी डबल बॉन्ड दो नंबर पे आ रहा हो, इधर एक एक डबल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उधर से शुरू करें जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक मिले। यदि मान लो कि एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मान लेते हैं कि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यदि आप इस साइड से काउंटिंग कर रहे हो, गिनती कर रहे हो दो नंबर पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर से यदि आप काउंटिंग कर रहे हो तब भी दो नंबर पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उस केस में क्या करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक हो। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं होता, यदि मान लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों का पोजीशन सेम हो, तो उस केस में क्या होगा, तो हम लिखेंगे गिनती सब्स्टिट्यूएंट के आधार पे करेंगे, गिनती सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर करेंगे, आधार पर करेंगे। यानी कि यदि डबल बॉन्ड का स्थिति सेम हो, यहाँ पे बात को समझना, यही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़दीक हो। ठीक है, यदि मान लो कि डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, डबल बॉन्ड का स्थिति सेम हो, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो उस केस में हम गिनती सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक वहीं से काउंटिंग शुरू कर देंगे। यदि मान लो कि सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति भी सेम हो, ध्यान रखना, यदि सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति भी सेम हो, यानी कि यदि ऐसा नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो, यदि ऐसा नहीं होता, ठीक है, तब हम जो गिनती करेंगे, गिनती वर्णमाला अक्षर के आधार पर करेंगे, गिनती वर्णमाला अक्षर के आधार पर करेंगे। यही आप इसको समझना होगा ध्यान से।
ठीक है, इसे एग्जांपल एक यहीं पे समझा देते हैं, ध्यान दो। जैसे कि मान लो कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड, CH CH3 है और CH2 CH3 है, क्लियर। सबसे पहला रूल बोलता है क्या, रूल नंबर वन में कि लंबा चेन देखो, तो लंबा चेन तो यही जाएगा ना। रूल नंबर टू बोलता है कि लंबा चेन के अलावा जो बचा उसको क्या मानोगे, सबसे जो लंबा चेन है इसी को हम क्या मानेंगे, अपना आधार श्रृंखला मानेंगे। बोलिए, रूल नंबर थर्ड कहता है गिनते उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़दीक हो। जरा सोचिए, यहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो नंबर पे, 1 2 दो नंबर पे ही तो अटैच है ना, यहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, तो कहाँ से करेंगे, बिल्कुल नहीं से करेंगे, 1 2 द नज़दीक है ना, 4 और 5, क्लियर। तो पहला यही हो गया इस यहाँ तक का कहानी। यदि मान लो कि ऐसा नहीं होता तो, मतलब ये इसको समझते हैं, ये वाला ये कहानी ये है, इसको समझते हैं। आओ मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CL लगा हुआ हो, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2, इसमें आपको काउंटिंग करना है। ज़रा सोचो, लंबा चेन तो ही जाएगा ना, इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान रखना। एक एक इसको तो समझ लिया ना, नाम कैसे होगा आगे डिस्कस करने वाले हैं, पहले समझो कैसे हम करेंगे। देखो, यदि ऐसा नहीं होता, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्थिति सेम हो, तो गिनती सबसे छोटे के आधार पर करेंगे। सोचिए, लंबा चेन यही है आपका, इसको अपना क्या मानेंगे, बेस चेन मानेंगे, आधार श्रृंखला मानेंगे, जो बचा हुआ क्या कहलाएगा, सबसे छोटे। रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री बोलता है गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो इधर से भी डबल बॉन्ड एक नंबर पे, इधर से भी डबल बॉन्ड एक नंबर पे, किधर से करोगे। तो ध्यान रखना, जब पोजीशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का सेम हो, ठीक है, तो गिनती सब्सिट्यूएंट के आधार पर करेंगे, यानी कि जिधर से सब्सिट्यूएंट नज़दीक हुए, काउंटिंग यानी कि गिनती वहीं से शुरू करेंगे। तो सोचिए, इधर से सब्सिट्यूएंट 1 2 3 3 नंबर पे, इधर से सब्सिट्यूएंट 1 2 3 4 नंबर पे, किधर से करें, सबसे जो इधर से इतना नज़दीक है तो हम इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत, ठीक है। नेम क्या होगा हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसको समझो, यहाँ आ जाओ। गिनती वर्णमालक, इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा काम नहीं हो, CH2 हो, डबल बॉन्ड CH हो, और एक काम करते हैं, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH के साथ CL लगा देते हैं, और यहाँ पे CH के साथ यहाँ भी आपके पास BR लगा देते हैं, और फिर CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। देख, ध्यान दीजिए, सबसे पहला भाई गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो नज़दीक हो, भाई लंबा चेन ढूंढ लो, तो यही वाला है ना, एक सबसे चुनटे है, एक सबसे चुनटे है, तो गिनती उस कार्बन से शुरू करना है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो यहाँ से डबल बॉन्ड एक नंबर पे, यहाँ से भी डबल बॉन्ड एक नंबर पे, दोनों तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का तो स्थिति सेम ही है ना। तो जरा सोचिए, यदि कार्बन का डबल बॉन्ड का स्थिति सेम हो जाए, तो गिनती सब्सिट्यूएंट के आधार पे करेंगे। देखिए, सब्सिट्यूएंट इधर से 1 2 3 नंबर पे सब्सिट्यूएंट, इधर से 1 2 3 नंबर पे सब्सिट्यूएंट। बोलो, जब सब्सिट्यूएंट भी सेम, यदि ऐसा नहीं होता, यदि सब्सिट्यूएंट भी क्या हो सेम पोजीशन पे हो, तो गिनती वर्णमाला अक्षर के आधार पे करेंगे। जरा सोचिए कि पहले सी की पहले बी है, तो पहले बी यानी गिनती हम किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। हाँ, नो डाउट, यदि आपके पास यह सेम हो, इसे कि मान लो यहाँ भी सी एल हम जोड़ दें, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी सी एल जोड़ दें और यहाँ भी सी एल जोड़ दें और इसे डबल बॉन्ड CH2 जोड़ दें, ठीक। इसमें कोई संदेह नहीं, वही कहानी, डबल बॉन्ड इधर से भी 3 नंबर, इधर से भी 3 नंबर पे, सब्सिट्यूएंट तो सेम ही है ना, तो आप कहीं से करो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 किसका मन इधर से करने, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई परेशानी। देखो देखो, इसको बैक जाकर देख सकते हो, थोड़ा सा बैक जाकर आप इसको फिर समझ सकते हो। चलिए, 13 रूल नंबर, 3 रूल नंबर 4 की बात करें हम, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो नाम लिखने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, आपको इसमें बेस नेम यानी कि आधार नाम को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप आधार नाम को ध्यान में लेकर चलते हो, तो कोई परेशानी नहीं होगी।
ठीक है, आइए देखते हैं। रूल नंबर 4, आधार नाम। ये तो पता है ना कि पहले सबसे चुन के काम करो, थोड़ा सा और अच्छा से इसमें अरेंज करो। ठीक है, क्या सब्सिस्टेंट का स्थिति, सब्सिस्टेंट का इसमें लिख दीजिएगा नाम लिखने का तरीका, नाम लिखने का तरीका, सब्सिस्टेंट का स्थिति। ठीक है, प्लस डैश, प्लस सब्सिस्टेंट का नाम, यदि अल्फाबेटिकल लिखना हो तो अल्फाबेटिकल, ठीक है, यदि सेम है तो डाई ट्राई की वाला कहानी, सब चीज़ वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अंत में हमको लिखना होगा आधार नाम। यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन यहाँ पे टर्म है आधार नाम का मतलब क्या, तो इस बात को आप ध्यान में लेकर चलिएगा। तो आइए देखते हैं इसका आधार नाम, आधार नाम। देखिए सबसे पहला चीज, अल्क एक्स एनी, अल्क एक्स एनी, ये आप कब यूज करना है, जब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या 1 हो, जब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो हम यूज करेंगे अल्क एक्स एनी। ठीक है, दूसरा अल्क एक्स वाई बताते हैं, एक्स वाई डाई एनी, यह कब यूज करना है, जब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो। ठीक है, अल्क एक्स वाई जेड ट्राई एनी, ट्राई एनी, यह कब यूज करना है, जब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या 3 हो, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या 1 हो तो अल्क एक्स एन यूज करेंगे, जब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो तो अल्क एक्स वाई डाई एन यूज करेंगे, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या 3 हो तो अल्क एक्स वाई जेड ट्राई एन यूज करेंगे। सवाल ये रहा यहाँ पर कि एक्स वाई जेड क्या है, देखिए तो यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, जहाँ एक्स वाई तथा जेड, तथा जेड बराबर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्थिति, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्थिति, यानी कि यदि आपके पास 2 नंबर पे या 3 नंबर पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे 3 लिखेंगे, यदि एक 3 पे है एक 5 पे है तो 3.5 लिखेंगे, एक 1 पे है एक 3 पे है एक 5 पे है तो 1.35 ट्राइन लिख के अंत में इस पूरे सब्सिस्टेंट का स्थिति प्लस डैश उसका नेम लिखने के बाद अंत में हम इस काम करेंगे आधार नाम का। ठीक है, चलिए तो आइए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए फिर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं और इसी यहीं पे हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो बस यदि हम बात करें एग्जाम्पल की तो यहाँ से बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपको ये वाला फंडा दे दे, सी एच थ्री सी एच, और यहाँ पे लिखा हुआ मिले बी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे आपको सी एच थ्री, इसका नाम लिखने का बोल दिया जाए। देखिए सारा रूल वही है, सब चीज़ हम उसी के अनुसार फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको
कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए। तो देखो तो लंबा चेन आपका तो यही है ना, यही जाएगा, इसी लंबा चेन को आपको मानना है बेस चेन। बेस चेन बोले तो आधार श्रृंखला, ठीक है। पहला रूल तो आपका यही है। दूसरा रूल कहता है कि आधार श्रृंखला के अलावा जो समूह बचता है उसको आपको मानना क्या है, सब्सिस्टेंट। जरा मानिए, आधार श्रृंखला के अलावा यही बचा ना, तो इसी को आपको क्या मानना है, सब्सिस्टेंट। इसको क्या मानना होगा आपको, सब्सिस्टेंट, क्लियर। रूल नंबर थर्ड बोलता है कि गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़दीक हो। डबल बॉन्ड की बात हो रही है ना, गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो देखो, इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, दो नंबर पे। इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 2 3 तीन नंबर पे। इधर से दो नंबर पे, नज़दीक किधर से है, इधर से ही है ना, तो 1 2 3 4 और 5, क्लियर। अब देखिए, इतना तो काम हमारा हो गया। आगे बोलता है नाम लिखने का तरीका, जिसमें सबसे पहला काम वो करना है कि सब्सिस्टेंट का स्थिति। सोचिए सब्सिस्टेंट कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 4, उसके बाद डैश प्लस डैश, सब्सिस्टेंट का नाम। तो BR को याद करो, क्या बोला करते थे हम लोग, ब्रोमो बोला करते थे ना, याद है कि भूल गए हो। देखो तो क्या बोले थे, यदि सब्सिस्टेंट में ब्रोमीन हो तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रोमो। सब्सिस्टेंट में Cl हो तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरो। सब्सिस्टेंट में I हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, आयडो। सब्सिस्टेंट में यदि आपके पास NO2 हो तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रो। सब्सिस्टेंट में यदि आपके पास CH3 हो, इसको कहीं कहीं ME लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिथाइल। सब्सिस्टेंट में यदि आपके पास ET हो, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इथाइल सचेज डॉट, क्लियर। तो 4-ब्रोमो। और अंत में कहता है आधार नाम, तो आधार नाम तो यही है ना, इसमें तीन चीज़ आपको लिखवा है कि अल्क XENE जब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अल्क XY DIENE जब दो हो, और XYZ TRIENE जब तीन हो। तो ढूंढो कि इसमें डबल बॉन्ड कितना है, एक ही है ना, तो अल्क फॉर्म याद करना, ध्यान रखना। जरा सोचिए कि अल्क फॉर्म, 5 कार्बन है ना, तो 5 बेस चेन में कितना कार्बन है, आधार श्रृंखला में कितना कार्बन है, 5 ही कार्बन है ना, तो उस 5 कार्बन का अल्क फॉर्म क्या होगा, क्या होगा, पेंट होगा ना जी, बोलो। याद कीजिए, हम वहाँ पे सबसे पहले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किए थे, लेक्चर नंबर इस IPSC वाले का पहला लेक्चर में LKN के साथ हम डिस्कस किए थे क्या, कि एक कार्बन हो तो अल्क फॉर्म मिथ होता है, दो कार्बन हो तो इथ होता है, तीन कार्बन हो तो प्रोप होता है, 4 कार्बन हो तो ब्यूट होता है, 5 कार्बन हो तो पेंट होता है, 6 कार्बन हो तो हेक्स। वही तो अल्क फॉर्म है ना, उधर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। एल्केन बनाओगे तो मीथेन, इथेन, हेक्सेन बोलते चलो, एल्कीन बनाओगे तो इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन बनाते चलो, सिंपल है। तो पेंट हो गया डैश। एक्स कहता है कि इसका स्थिति, देखिए तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, तो पेंट 2 और क्या हो गया, ENE। तो इसका नेम हो गया 4-ब्रोमो पेंट 2 ENE, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, CH2 CBr CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखे, कैसे लिखेगा, सबसे पहला काम वही लंबा चेन ढूंढना है। तो लंबा चेन तो आपका यही है ना, इसी लंबा चेन को आपको क्या मानना होगा, बेस चेन। बेस चेन बोले तो आधार श्रृंखला, क्लियर।
इसके अलावा जो बचा हुआ सब्सिट्यूएंट बचा कौन है, ही बचा हुआ है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे अपना सब्सिट्यूएंट मानेंगे। बोलो रूल नंबर 3 बोलता है गिनती उस कार्बन से जहाँ से सब जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो आप देख रहे हो कि इधर से भी डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे है और इधर से भी डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे है, देखो ना। बोलिए तो कहीं से भी कर सकते हैं क्या? नहीं, जब डबल बॉन्ड का स्थिति समान हो, जब डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, तब हम देखेंगे कि सब्सिट्यूएंट किधर से नज़दीक है। तो हम देख रहे हैं कि इधर से डबल बॉन्ड एक नंबर पे है और दो नंबर पे सब्सिट्यूएंट है, लेकिन इधर से डबल बॉन्ड तो एक नंबर पे है ही बट सब्सिट्यूएंट 3 नंबर पे है। किधर से करें? बिल्कुल हम इधर से ही करेंगे, तो 1, 2, 3, 4। रूल नंबर 4 नाम लिखने के तरीके में क्या बोलता है कि सबसे पहले सब्सिट्यूएंट का स्थिति कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे? 2 टेस। और Br है ना, तो Br यानी कि ब्रोमो। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 है, तो आधार नाम वाला ए वाला यूज करेंगे, अल्क एक्स वाई डाई ए नहीं। तो सोचो कि 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन का अल्क फॉर्म क्या हो गया? ब्यूट। और एक है आपके पास एक नंबर पे डबल बॉन्ड और दूसरा है 3 नंबर पे, तो ब्यूट 1.3 और क्या हो गया? डाई ए। देखो एक चीज़ हम क्लियर कर दें आपको, यदि आपको लगता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 नंबर पे भी है और 2 नंबर पे भी है, तो नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। यही वाला कार्बन है यहाँ पे, इससे साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यदि आप 3 यहाँ पे रख देते हो तो फिर हमारा नेम गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो तो नज़दीक तो 2 है ना, उसके बाद ना 3 है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा 2 ही, यदि आप 3 यहाँ पर लेते हो तो वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले जो आता है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलिए तो ये 2 एग्जांपल हो गए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, आइए इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, CH3 और यहाँ से H अटैच है, या बॉन्ड डबल बॉन्ड है आपका, यह H है और यहाँ H CH3 Br। देखिए बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे तो अब स्पष्ट है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे कार्बन है आपका, यहाँ भी क्या है? कार्बन है, और यहाँ भी क्या है? कार्बन है। तो देखो CH3 है और इस C के साथ एक हाइड्रोजन है, तो क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो CH3 और एक बॉन्ड है, तो CH3 और यह CH, इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी। देखो तो एच है, तो इसी को एक साथ कर दो, क्या दिक्कत है? वो आपको डराने के लिए इसे बाहर को मैं दिखा दिया है, एच डरना नहीं है। CH डबल बॉन्ड, फिर CH, इसको एक साथ कर दीजिए, फिर यहाँ पे CH और नीचे में क्या है? CH3 और इस साइड में क्या अटैच है? ब्रोमीन। देखो ये है ना, नीचे में CH3 और यहाँ पे H को एक साथ कर दो। H कभी भी सब्सिट्यूएंट में नहीं होता, ध्यान रखिए चीज को, हाइड्रोजन कभी भी सब्सिट्यूएंट का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम है, वह कोई एक ग्रुप नहीं है वो कि उसको आप सब्सिट्यूएंट में मानोगे, ठीक है। चलिए तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं, एक ही बात है। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 लंबी श्रृंखला ही है ना, इसी को क्या मानना होगा आपको? आधार श्रृंखला, आधार श्रृंखला, आधार से रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 बोलते हैं आधार श्रृंखला का अनुमान जो बचा हुआ उसको क्या मानना हो गया? आप सब्सिट्यूएंट, ठीक है। तो जो आपको Br बचा हुआ क्या हो गया? सब्सिट्यूएंट हो गया। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो? नज़दीक हो। तो इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, इधर से 1, 2, 3 नंबर पे, तो नज़दीक किधर से है? इधर से है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर। सबसे पहले सब्सिट्यूएंट का स्थिति 4 नंबर पे है, तो 4- Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमो। बेस में 5 कार्बन, तो पेंट, और 2 नंबर पे है, तो 2, और अंत में क्या हो गया? ENA। देखिए अल्क एक्स ENA, तो इसका नेम हो गया। तो डरने का सकता नहीं है, एक ही बात है यहाँ पर।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप अरेंज करते हो, यहाँ पे CH2 है देखो, HH को ऐसे डराने के लिए दे दिया है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है आपका बियर, एक साथ कर दो इसको, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही जाएगा ना, इसी को हम क्या मानेंगे, अपना आधार श्रृंखला मानेंगे। इसके अलावा जो बचा हुआ सब्सिट्यूएंट, तो ब्रोमीन ही बचाना, तो इसको क्या मानोगे आप सब्सिट्यूएंट, बोलो, गिनती उस क्रम से जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे है, इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1, 2, 3 नंबर पे है, तो नज़दीक किधर से है, देखिए इधर से एक ही, इधर 3 नंबर पे, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा नज़दीक इधर से ही है, तो 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति तो 3 नंबर पे है, तो 3, उसके बाद डैश बियर है तो क्या लिख देंगे हम लोग, ब्रोमो, बेस में 4 कार्बन तो ब्यूट, और 1 पे है तो 1, और क्या हो गया ये नहीं, या इसी को लिख सकते हो 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ये नहीं, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ये नहीं, या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है, मान लो कि ब्यूट 1 इनको ही हम लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चूँकि यह ओल्ड मेथड हो गया, ये न्यू मेथड से हम लोग चलते हैं, वहाँ आ जाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH CH3 और ब्रोमीन, क्लियर। देखो तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही है ना, हुआ क्लियर। इसके अलावा जो बचा हुआ सबसे चेन, तो 1 और 2, गिनती उस कार्बन से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, जी सॉरी, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, चूँकि हम लोग एल्किन पर रहे ना, तो यहाँ से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, यहाँ से 3 नंबर पे, तो नज़दीक किधर से है, इधर से ही है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर। आप देख रहे हो कि 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, तो अल्फाबेटिकल, तो पहले बी की पहले एम, चूँकि इसका नाम क्या होता है, मिथाइल होता है, तो पहले बी तो लिखेंगे हम लोग 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, और बीस में 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे पेंट, और 2 नंबर पे है तो पेंट 2, और क्या होगा ये डी, क्लियर। अब जाइए इसमें, यहाँ भी वही काम नहीं है, CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 CH2 और बियर। सबसे पहले काम लॉन्गेस्ट चेन देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट दोनों अलग अलग है, काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो नज़दीक, इधर से 1, 2 नंबर पे, और इधर से भी 1 और 2 नंबर पे, तो किधर से करोगे, जब दोनों का पोजिशन सेम, डबल बॉन्ड का पोजिशन सेम हो, तो गिनती हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट 1 ही नंबर पे, इधर से सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे, तो बेटर है ये ना, तो 1, 2, 3 और 4 देखो, तो 1 पे ब्रोमीन और 2 पे मिथाइल, पहले किसको लिखें, ब्रोमीन को लिखेंगे क्योंकि पहले बी आता है ना, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और बेस में 4 कार्बन है तो क्या हो गया ब्यूट, और 2 नंबर पे तो ब्यूट 2 और ये नहीं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और क्या हो गया बियर, लॉन्गेस्ट चेन आपका यही जाएगा, क्लियर। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो यहाँ से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, और यहाँ से भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, लेकिन जब डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, तो गिनती वहाँ से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 1 ही नंबर पे, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे, तो बेटर तो यही है ना, तो 1, 2, 3 और 4, तो आप देखोगे कि 1 पे ब्रोमीन मिला तो 1 ब्रोमो, और 4 है तो ब्यूट, और फिर 2 ये नहीं, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 ये नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखो, इसी को आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH2 और क्या हो गया, बिया लॉन्ग आपका ही हो जाएगा,
एक सब्सिट्यूएंट आपके पास ये हो गया, एक सब्सिट्यूएंट आपके पास ये हो गया, ठीक है। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो इधर से डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे, इधर से डबल बॉन्ड दो नंबर की तरफ नज़दीक, तो इधर से ही है ना, तो 1 2 3, तो आप देखोगे कि दो सबसे चुनटे एक दो नंबर पे, एक थ्री नंबर, तीन नंबर पे है, ठीक है। तो आप देखोगे कि दोनों अलग अलग है, तो पहले किसको लिखें, तो यह बी से शुरू होने वाला है, ब्रोमो और एम से शुरू होने वाला है, पहले बी वाले को लिखेंगे बिल्कुल। तो क्या हो गया, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और बेस में 3 कार्बन, तो प्रोप और 1 EN, या इसी को हम लिख सकते हैं प्रोपेन, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक बात और आपको जान लेना होगा, यदि मान लेते हैं कि एक हम यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो और उसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम कंपाउंड लेते हैं कुछ इस प्रकार से, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, लंबा चेन तो आपको यही जाएगा, क्या इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है। तो ध्यान रखना जब ऐसा कंडीशन आता है, यहाँ पे लिख देते हैं नोट में करके, यदि सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित नहीं हो, यदि सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित नहीं हो तो उसका नाम आधार नाम के अनुसार लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना होगा। यदि मान लेते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, तो उसका नाम आधार नाम के अकॉर्डिंग चलना है आपको, तो ठीक है। तो आधार नाम आपको 3 बताया है ना, डबल बॉन्ड 1 हो तो अल्क XENE, डबल बॉन्ड 2 हो तो अल्क XY DIENE, डबल बॉन्ड 3 हो तो अल्क XY ZY DIENE। जरा सोचिए इसमें डबल बॉन्ड तो एक ही है ना। चलो तो काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो नज़दीक हो, तो इधर से 1 2 3, इधर से 2 नंबर पे, तो 1 2 3 4 और 5, एक ही कार्बन है, एक ही डबल बॉन्ड है ना, तो अल्क XENE, तो अल्क मतलब 5 कार्बन है, तो अल्क फॉर्म क्या हो गया, पेंट, और कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, तो पेंट 2 और क्या हो गया ENE। इसी को कहेंगे यदि आपको लिखा हुआ मिल जाए 2 पेंटिन, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों नेम सही है। अंतर यह है कि ये न्यू मेथड है या ओल्ड मेथड है, ठीक है। तो किसी किसी बुक में भी मेंशन रहता है, तो इसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से मान लो एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, 1 और 2 या 1 2, किसी को मानो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ETH1 और ENE। इस 1 को कई बार हम लोग नहीं भी लिखते हैं, इस 1 को हम नहीं भी लिखेंगे, चूँकि 1 को लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है, हाँ 2 3 रहेगा तो लिखना है, तो यह क्या हो गया आपका ETH1। इसी का एक, ये तो IUPAC है ना, या कौन सा नेम है, IUPAC है, इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको हम साधारण नाम बोलते हैं, क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं ईथिलीन। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड और फिर CH2, लॉन्गेस्ट चेन तब का यही हो गया। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से कार्बन कार्बन डबल नज़दीक, इधर से 2 नंबर, इधर से 1st नंबर पे, तो बेटर ये 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, तो क्या हो गया, पेंट। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो 2 है ना, तो अल्क XY DIENE, तो एक एक नंबर पे, एक 3 नंबर पे, तो 1 3 और 2 है, तो क्या हो गया, DIENE। इसी प्रकार से ब्यूटीन यदि हम यहाँ पे ऐसे अरेंज कर लें, 4 कार्बन वाला CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा, देखो BU2 1 ENE, इसी को ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका एल्कीन का ओवरऑल IUPAC नामांकन। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि एल्काइन का IUPAC नामांकन कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, धन्यवाद।